और आपको बताएं कि जीएसटी के मुद्दे पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो बैठक चल रही थी उसके बाद अभी बिहार के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सीधे ले चलते और यस्टरडे इट वाज फर्स्ट मीटिंग सो इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे विल बी हैविंग अनदर मीटिंग रिगार्डिंग आरसीएम और आरसीएम लाना कि नहीं लाना, कब लाना, व्हाट शुड बी द टाइम टेबल, which are the items which can be included in the RCM or for which category of taxpayers these RCM can be implemented. इन सारी चीज़ों के बारे में कल चर्चा हुई है फर्स्ट राउंड और मे के फर्स्ट वीक में एक सेकेंड मीटिंग होगी GOM की, इसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. आज दिन भर तीन मीटिंग हुई हैं. दिस वॉज रिगार्डिंग सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स रिटर्न्स. इन द फर्स्ट मीटिंग विच स्टार्टेड एट अबाउट 11 o'clock मोर देन 40 ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस एंड इवन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, पुणे, यूपी, दिल्ली एंड सम ऑल इंडिया लेवल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक फिक्की, एसोचैम, PSD चैम्बर ऑफ कॉमर्स, CII. So that meeting was regarding simplification of returns. Then we had another meeting with the indirect tax experts. About 15 tax experts attended that meeting and they gave their views regarding simplification of tax returns. And then at 3 o'clock we have at 3:30 we had another meeting of a GOM on the simplification of returns along with tax officers from most of the states. And Mr. Hasmukh Adia, Revenue Secretary, was also present in the afternoon meeting. And Mr. Nandan Nilkani attended all the meetings, and today's all the meetings on simplification of tax returns. उन्होंने उस मीटिंग में भाग लिया. और मित्रों उसी के साथ साथ जहाँ तक सिंप्लीफिकेशन ऑफ रिटर्न्स हैं उस पर आज भी काफ़ी दिन भर चर्चा हुई है और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये कहा गया कि वो 7 days के अंदर अपना जो ओपिनियन है, अपनी व्यूज़ हैं, उसे GST काउंसिल को अवगत कराएंगे. और उसके बाद GST काउंसिल की मीटिंग के अंदर इसके बारे में और विस्तार से चर्चा होगी. जो डिफरेंट व्यूज़ आए हैं उन व्यूज़ को इनकॉर्पोरेट करते हुए श्री मनीष सिन्हा को और ये कहा गया कि वो एक ड्राफ्ट तैयार करें जो GST काउंसिल की मीटिंग में प्रेजेंट किया जाएगा. अब GST काउंसिल की मीटिंग जब भी होगी 15 दिन 20 दिन 10 दिन के अंदर उसके अंदर और बेसिकली जो जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ फॉर्म्स हैं, ये रिटर्न है, उसके अंदर दो मेजर इश्यू जिस पर डिस्कशन हो रहा है. एक तो कि प्रोविजनल क्रेडिट के बारे में कि प्रोविजनल क्रेडिट दिया जाए कि ना दिया जाए, नंबर वन. नंबर टू, ये जो क्रेडिट है शुड इट बी लिंक विद द टैक्स पेमेंट और इट शुड नॉट बी लिंक विद द टैक्स पेमेंट. ये दो मेन इशू हैं और इन और उसके लिए दो मॉडल अलग इसमें चर्चा हुई और एक तीसरा मॉडल उन दोनों को मिलाकर, तो इसमें कुल मिलाकर जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ रिटर्न है उस पर काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुआ है और अब एक फाइनल ड्राफ्टिंग करके GST काउंसिल में डायरेक्टली हम लोग जाएंगे और GST काउंसिल उसके बारे में निर्णय करेगी. लेकिन एक चीज़ है कि जो 3B है, विच इज़ अ काइंड ऑफ समरी रिटर्न, जो पिछले 8-9 महीने से लोग फाइल कर रहे हैं, ये कंटिन्यू करेगा 3B. और जो नया फॉर्म, जो नया रिटर्न का डिज़ाइन आएगा जो भी अप्रूव होगा उसके लिए हम पर्याप्त समय देंगे ताकि सॉफ्टवेयर तैयार हो सके और ट्रेड इंडस्ट्री के लोग भी उसके साथ अपने आप को और एक्विंट कर सकें. तो यह मेनली रिटर्न्स के बारे में है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ रिटर्न, क्योंकि रिटर्न इज द सोल ऑफ द इंटायर GST और रिटर्न पर ही टैक्स बेस्ड है. क्रेडिट भी रिटर्न पर ही आधारित है. उसके साथ ही साथ ई वे बिल, ये जो ई वे बिल है जो
अप्रैल से और पूरे देश में इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए, और ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। तो अभी तक जो, और ये भी आपको मालूम है कि 15 अप्रैल से केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश, ये 15 अप्रैल इट वॉज मेड मैंडेटरी फॉर इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स फॉर 5 more states। वेन इट स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल, कर्नाटका वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड फॉर इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स बिकॉज दिस ई वे बिल स्टार्टेड फ्रॉम कर्नाटका। सो फ्रॉम 1 अप्रैल इट वॉज इंटर स्टेट फॉर इंट्रा स्टेट as well as intrastate for Karnataka, and from 15th of April 5 more states along with Karnataka they've been included in for intrastate e-way bill. Or on 16th April, it means yesterday, 10,31,000 e-way bills were generated yesterday, 10,31,000। और ये जो सिस्टम बना है ई वे बिल का, विच इज बिन डिजाइन बाय NIC, इट इज कैपेबल टू हैंडल मोर देन 75 लाख ऑफ ई वे बिल्स इन अ डे। इट इज बिन डिजाइंड इन सच अ वे दैट इट कैन हैंडल 75 लाख ऑफ ई वे बिल्स। और जैसे मैंने बताया कि यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, 10,31,000 ई वे बिल्स वर जनरेटेड इन अ सिंगल डे, आउट ऑफ विच 2,60,000 were intrastate। और जब से ये इंट्रास्टेट स्टार्ट हुआ है, यानी फ्रॉम 15th, देर इज इंक्रीज अबाउट 25% इन जनरेशन ऑफ ई वे बिल्स, एंड इन द कमिंग डेज मोर एंड मोर ई वे बिल्स विल बी जनरेटेड ऑन द सिस्टम। द हाइएस्ट ई वे बिल हैज बिन जनरेटेड बाय गुजरात, जो गुजरात है, 19.39% ऑफ ई वे बिल्स ये अकेले गुजरात ने जनरेट किया है। नंबर टू इज कर्नाटका, 15.32%, महाराष्ट्र 12.43, बट कर्नाटका इंक्लूड्स इंट्रास्टेट ऑल्सो, एंड गुजरात इज ऑनली इंटर स्टेट, 19.39%, महाराष्ट्र 12.43%, बाकी फिर हरियाणा, दिल्ली, यूपी, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, दिस 9 states कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 82% ऑफ ई वे बिल्स जनरेटेड। जी ये गुजरात 19.39%, कर्नाटका 15.32%, महाराष्ट्र 12.43%, और बाद में हरियाणा, दिल्ली, यूपी, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, दे आर बिटवीन 7-3%। तो ये कुल मिलाकर 9 states हैं जिन लोगों ने 82% ई वे बिल और जनरेट किया है। फ्रॉम 20th of April, नेक्स्ट लॉट ऑफ 6 states विल गो इन फॉर इंट्रा स्टेट, बिहार, झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और उत्तराखंड। ये 6 states जो हैं ये 20th of April से इन 6 राज्यों में भी इंट्रा स्टेट और स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ मित्रों, आपको मालूम है कि CBIC ने प्रोसीजर फॉर इंटरसेप्शन एंड इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स, क्योंकि आपको मालूम है कि बैरियर्स, all the checkpost and barriers have been removed from 1st of July 2017, और आज देश के किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई चेकपोस्ट और बैरियर्स नहीं है, एंड इट इज टेकिंग अबाउट 30% लेस टाइम इज बींग कंज्यूम्ड फॉर द बाई द व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अनदर पार्ट ऑफ द कंट्री। और अभी हम लोगों ने एक प्रोसीजर पूरे देश के लिए फॉर इंटरसेप्शन एंड इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स, अगर किसी स्टेट के अंदर कोई ऑफिसर अगर किसी व्हीकल को रोकता है, इंस्पेक्शन करता है, तो उसके लिए गाइडलाइन जो है, और एक ऑल इंडिया गाइडलाइन जो है
उसके लिए इशू किया गया है. उसके बारे में दो चार बातें मैं बता दूं आपको. कमिश्नर कैन डेजिग्नेट प्रॉपर ऑफिसर. ईच कमिश्नर विल डेजिग्नेट प्रॉपर ऑफिसर टू कंडक्ट इंटरसेप्शन एंड इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन दियर ज्यूरिसडिक्शन. फॉर एग्जाम्पल बिहार इज द वन ज्यूरिसडिक्शन. द कमिश्नर विल डेजिग्नेट प्रॉपर ऑफिसर्स जो ये काम करेंगे. ये सारे ऑफिसर से काम नहीं करेंगे. जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होंगे वही इंटरसेप्शन और इंस्पेक्शन का काम करेंगे. ईवे बिल कैन बी कैरिड इन फॉर्म ऑफ प्रिंट आउट SMS और मे बी रिटर्न ऑन एन इनवॉइस. वो कैसे कैरी करेंगे ये आपको मालूम है. इट कैन बी वेरीफाइड बाई ऑफिसर्स. हाउ द ऑफिसर्स विल वेरीफाई दोज ईवे बिल्स. अगर रास्ते में अगर वो चेकिंग के लिए रोकते हैं तो कैसे वेरीफाई करेंगे. तो ऑफिसर्स वाया लॉगिंग इन ऑन द पोर्टल और थ्रू मोबाइल एप्लीकेशंस और थ्रू SMS. उन्होंने जो दिखाया अपना ईवे बिल उसमें जो नंबर वगैरह दिया उसको वो चेक क्रॉस चेक करने के लिए इसके माध्यम से वो वेरीफाई करेंगे. इफ डॉक्यूमेंट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड और ऑफिसर्स इंटेंड्स टू अंडरटेक इंस्पेक्शन ही शैल रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ द कन्वेयंस इन चार्ज. ही विल इश्यू एन ऑर्डर फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन टू द क्वाइन कन्वेयंस इन चार्ज एंड अपलोड अ रिपोर्ट ऑन कॉमन पोर्टल विद इन 24 आवर्स. वो फिजिकल वेरिफिकेशन करने के 24 घंटे के भीतर और वो एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो है उसको अपलोड करना ये आवश्यक रहेगा. ऑफिसर्स विल इशू अ डिटेंशन ऑर्डर इफ यू वॉन्ट्स टू डिटेन गुड्स एंड कन्वीनियंस स्पेसिफाइंग द टैक्स एंड पेनल्टी पेबल एंड गिव अ कॉपी ऑफ डिटेंशन ऑर्डर टू द कन्वीनियंस इंचार्ज. अगर उसको रोकना आवश्यक लगता है इफ यू वॉन्ट टू डिटेन गुड्स एंड कन्वीनियंस तो कितनी टैक्स और कितना पेनल्टी उसको देना पड़ेगा उसकी वो कॉपी जो है वो डिटेंशन ऑर्डर के साथ कन्वीनियंस इंचार्ज को देंगे. ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी ऑफिसर विल रिलीज द गुड्स एंड कन्वीनियंस. गुड्स एंड कन्वीनियंस कैन बी रिलीज ऑन बॉन्ड एंड सिक्योरिटी गिवन बाई ओनर ऑफ द गुड्स आइदर बाई पेमेंट ऑफ टैक्स और पेनल्टी और कैन ऑल्सो बी रिलीज ऑन बॉन्ड एंड सिक्योरिटी गिवन बाई ओनर ऑफ द गुड्स. इसके बारे में जो डिटेल गाइडलाइंस हैं ये भी. इफ टैक्स एंड पेनल्टी आर नॉट पेड विद इन 7 डेज. अगर 7 दिनों के भीतर पेनल्टी अगर पे नहीं किया गया द ऑफिसर विल सर्व अ नोटिस फॉर कन्फिस्केशन ऑफ द गुड्स एंड कन्वेयंस एंड पेनल्टी टू ओनर ऑफ गुड्स एंड कन्वेयंस. अगर पेनल्टी अगर पे नहीं करते हैं टैक्स और पेनल्टी तो 7 दिनों के भीतर तो उसको कन्फिस्केट किया जा सकता है उसको जब्त किया जा सकता है. आफ्टर पर्सनल हियरिंग एन ऑर्डर विल बी पास्ड एंड अपलोडेड ऑन द GST कॉमन पोर्टल. पेमेंट ऑफ टैक्स पेनल्टी एंड फाइन कैन बी मेड विद इन 3 months and goods will be released. If it is not done, the officer can auction the goods and conveyance. यानि inspection कैसे करेंगे, penalty कैसे impose करेंगे, कितने देर के अंदर portal पर report file करेंगे, फिर confiscate करने का क्या तरीका होगा, auction करने का क्या तरीका होगा, तो ये एक all India एक common guidelines, ये देश के सभी राज्यों को issue किया गया है. इसलिए कोई state अपने तरीके से कन्फिस्केट या पेनलाइज नहीं कर सकते हैं. एक ऑल इंडिया गाइडलाइन है उसी के आधार पर वो किसी व्हीकल को कन्फिस्केट कर सकेंगे इंस्पेक्ट कर सकेंगे. तो इसलिए अभी तक जो ईवे बिल रोल आउट हुआ है उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एंड एवरीबडी इज़ हैप्पी एंड नोबडी हैज़ मेट विद एनी मेजर प्रॉब्लम टिल नाउ. तो ये मित्रों ये कुल मिलाकर RCM सिंप्लीफिकेशन ऑफ रिटर्न और ईवे बिल इन 3 चीज़ों के बारे में ये कुल मिलाकर और स्थिति है. कुछ प्रकाश जी या अजय जी आप कुछ ऐड करना चाहिए. अभी तक 543 वेरिफिकेशन के लिए गाड़ियाँ रोक कर रिपोर्ट किया है और 20 लोगों ने डिटेंशन जो 30 मिनट से ज़्यादा होते हैं ना उन लोगों ने. तो मंत्रियों के समूह की जो बैठक चल रही थी खासतौर पर GST रिटर्न को लेकर उसके बाद अभी सुशील कुमार मोदी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. साफ तौर पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जिसको लेकर एक बार फिर से मई में एक बैठक होगी उस पर चर्चा हुई है. खासतौर पर कैसे रिटर्न को आसान बनाया जाए
इस पर भी चर्चा की गई है, जिसमें एक नया फॉर्म है उसको डिजाइन किया जाएगा और फिलहाल जो फॉर्म 3B है जीएसटी का उसको जारी रखा जाएगा और उसके बाद जो जीएसटी काउंसिल है इस पर कोई फैसला लेगा, उस पर कोई निर्णय करेगा। उसके अलावा यहां पर जो ई वे बिल है, अब तक गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा ई वे बिल जनरेट किया, जिसमें गुजरात सबसे पहले नंबर पर है, कर्नाटक दूसरे तीसरे। और खास तौर पर यहां पर जो माल चेकिंग के लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई है, किस तरीके से जो कमिश्नर है वो अधिकारी को नियुक्त करेगा और जो नियुक्त अधिकारी है वो ही बिल को वेरीफाई करेगा। 7 दिनों के अंदर जो पेनल्टी के प्रावधान है, 7 दिनों के अंदर यहां पर अगर पेनल्टी नहीं चुकाई तो माल जब्त कर दिया जाएगा, ऐसे कुछ प्रावधान यहां पर रखे गए हैं ई वे बिल के लिए। हालांकि उन्होंने कहा कि अब तक जितने भी रिस्पांस आया है इसको लेकर वो अच्छा रहा है ई वे बिल को लेकर, और आने वाले समय में और ऐसे कुछ राज्य हैं, लगभग 9 राज्य हैं जिसमें इंट्रा स्टेट जो गुड्स जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे उसमें भी ई वे बिल को लागू किया जाएगा। फिलहाल जो अब तक रिस्पांस रहा है इसके तहत अच्छा ही रहा है। और जो बाकी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, साथ ही जीएसटी फॉर्म को सरल बनाना और ई वे बिल पर, ये 3 मुख्य बातों पर अभी बिहार के जो वित्त मंत्री है सुशील कुमार मोदी यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और इस 2 दिनों तक जो इस बैठक में, अब 2 दिनों तक जो बैठक चल रही थी उसमें अलग अलग राज्यों के वित्त मंत्री भी हिस्सा ले रहे थे।